साढ़े तीन साल स्टेट गवर्नमेंट के बीत चुके हैं और आज जिस हिसाब से धौलपुर सीट जीती है उससे माननीय मुख्यमंत्री का जो वर्चस्व है, जो काम करने के ढंग है और जो प्रदेश के अंदर में काम उन हिसाब से कर रही हैं वो बात प्रमाणित होती है कि जिस हिसाब से सीट जीती है बहुत जोर से पब्लिक ने वोट दी है। और मैं चाहता हूँ जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने जिस हिसाब से मेहनत करके सारे कार्यकर्ताओं लगाया उस हिसाब से ये मेहनत रंग लाई है। मनीष गोदा साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो जाति वाली बात है जीत फैक्टर में कहीं ना कहीं लगता है कि किसी एक पार्टी का टूल रहा है ये जाति फैक्टर। नहीं देखिए, जाति फैक्टर दोनों ने करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण के दोनों एक दूसरे के दामन साफ बता रहे हैं। देखिए, अब ये तो एक राजनीति की बात है, बिना जाति के चुनाव आप विकास 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 बहुत गालें लेकिन एक जमीनी सच्चाई है, जाति के बिना आप नहीं कर सकते। दोनों ने खेलने की कोशिश की, इनका चल गया उनका नहीं चल पाया, ये बात थी। सीधी सी बात है, कुशवाहा जब आप बी एल कुशवाहा की पत्नी जी को जब शोभा रानी जी को जब आपने चुनाव का टिकट दिया इसी समय तय हो गया कि आप कास्ट का कार्ड खेलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ कुशवाहा वोट बहुत अच्छी संख्या में है। बीएसपी के वोट को आपको लेना था साथ में, तो जाटव का जो वोट था उसको आप अपने साथ रखना चाहते थे। तो ये जो जितना जो पूरा किया गया वो सारा जाति को ध्यान में रख के किया गया। फिर बाद में अलग अलग जातियों के सम्मेलन भी किए गए, राजपूतों के सम्मेलन हुए वहाँ पे, लोधों को आपने लोधियों को बुलाया वहाँ पे आपने। कहीं एडवांटेज नहीं बन गया क्योंकि हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले कालीचरण सराफ साहब से, लगातार धौलपुर का प्रभार देख रहे थे, उनका कहना है कि साहब हमने तो लगातार चेहरे बदले हैं, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग जातियों को सबको मौका दिया, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, हमारे यहाँ से भैरव सिंह जी भी रहे हैं, हमारे यहाँ से कुशवा शिवराम कुशवा भी रहे हैं, यहाँ से वसुंधरा राजे भी रही हैं, अब्दुल सगीर भी रहे हैं और इसके बाद अभी फिर से कुशवा हमारे पास है। तो ये जो तस्वीर है कि हमने ठीक है सबकी बात की लेकिन कांग्रेस एक चेहरे पर 50 साल से जमी रही 5 दशक, ये देखिए दो चीज़ें इसमें, आप जो अलग अलग चेहरे दिखा रहे हैं ये भी बताता है कि आपने मुसलमान को भी वोट दिया, आपने टिकट दिया, आपने राजपूत को भी टिकट दिया, आपने जाट को भी टिकट दिया, सबको टिकट दिया, तो एक वो फैक्टर। दूसरा, कांग्रेस जब बनवारीलाल शर्मा को उतारती है जो कि अपनी उम्र के बहुत ऊंचे वाले पड़ाव पे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस आधे मन से चुनाव लड़ रही है। आप एक ऐसी कैंडिडेट को उतार रहे हैं चुनाव में जिसमें आपको लगता है कि जीत जाए तो ठीक है, नहीं जीते तो भी ठीक है। 1.5 साल की विधायकी है, सिर्फ 1.5 साल का समय है, आप एक ऐसे कैंडिडेट को निकाल के ला रहे हैं जो कि लगातार, हमने जब चुनाव का टिकट जब डिक्लेयर होने के बाद थी जब कांग्रेस के लोगों से बात की तो सबने ये कहा कि हाँ अभी देख रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली बनवारीलाल शर्मा होंगे। यानी आप कहीं ना कहीं एक नया चेहरा लाना ही नहीं चाहते थे। आप ये लगते हैं एक नाइट वॉचमैन का नहीं होता कंसेप्ट क्रिकेट के अंदर कि शाम के समय वो आता है, ठीक है जितनी देर खेल जाएगा बाकी फिर देखा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत हाफ हार्टेडली बनवारी लाल जी पर दांव खेल रही थी और इसीलिए उनको उतारा। आप यदि नया फ्रेश कैंडिडेट लेके आते मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता, बनवारी लाल जी की जगह कोई दूसरा चेहरा होता। तो क्या लगता है श्याम जी आपको, कहीं चेहरे बदलाव की कवायद में बीजेपी जीत गई है इस बार मैदान? नहीं, बीजेपी केवल चेहरे बदलने से नहीं जीती है, उनका जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अपना प्रवास वहाँ रखा और निगरानी रखी, एक एक बूथ को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से कवायद की, उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठ गए वहाँ जाकर के, पूरा पूरा शासन वहाँ जाकर लगा, तो उससे लग रहा था जीत तो होती क्योंकि वोटों की गिनती जब देखी जाती है अंदर जाकर के गिना जाता है तो वो देखते हैं कि किसकी स्थिति, क्योंकि मुख्यमंत्री हर वर्ग को बुला करके बात कर रही थी, कह रही थी कौन व्यक्ति आया कौन नहीं आया, इस तक गिनती हो रही थी, तो इससे लग रहा था कि वो एक एक वोट के ऊपर अपना नज़र जमाए हुए हैं। तो आप राजपूत समाज ले लीजिए, कुशवाहा की तो खुद ही कैंडिडेट दे दी इन्होंने जो कि उनका वोटर था। देखो वोटों की जीत हार जितना हो रहा था, कांग्रेस को वोट मिले कम नहीं है, कांग्रेस इतनी पिछड़ी स्थिति में नहीं लगी, लेकिन जो बीएसपी का वोट था वो इनको मिल गया 91,000 वोट। अब ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, शोभा रानी कुशवाहा के साथ धौलपुर में अपने आवास पर मुख्यमंत्री हैं, जनता से मुलाकात कर रही हैं, ये क्या इशारा है? देखिएगा आप किस बात का कॉन्फिडेंस, आप देखिएगा कि अब जिस प्रकार की जीत हुई है, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सीधे तौर पर वो कहने लगी, आज देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जीत का श्रेय भी जाने लगा है वसुंधरा जी के साथ, लेकिन वसुंधरा जी की जो मेहनत और जिस प्रकार का एक एक वोटों को जिस प्रकार के लाने की कवायद उन्होंने की, उसका परिणाम आपको परिणाम देखने को मिला। वो सीधे तौर पर देखिए, उनके बेटे की बहू लगी, उनका बेटा लगा, उनका पूरा परिवार, जिस तरह से खुद का चुनाव हो रहा हो, वो कोई शोभा रानी का चुनाव नहीं था,
ये तो सीधे रूप से राजघराने का चुनाव हो गया था एक तरह से। उन्होंने कहा कि ये जीत हार क्योंकि भविष्य को तय करने वाली थी। अब क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी कि तो वहाँ बड़ी शान से जाकर के अमित शाह के सामने दावा कर सकेंगे मुख्यमंत्री कि मेरा वर्चस्व आज भी राजस्थान में है और भविष्य में भी रहने वाला है। तो आने वाला जो भविष्य तय हो गया आज ही कि वो अब मुश्किल है। प्रदेश की सत्ता को लेकर जो संशय था मुकेश दाधीच साहब, अब इसके साथ विराम उस पर लग गया है, भरोसे के साथ कह पाएंगे? देखिए पहले भी कोई संशय नहीं था और आगे भी कोई संशय नहीं, वसुंधरा जी का कोई विकल्प नहीं है। वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है और उनकी जो चुनाव लड़ने का उनकी रणनीतिकार जो जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ती हैं, मैं समझता हूँ कि अपने आप में उनका विजन इस मामले में। हमने पहली मर्तबा देखा कि आप खुद मैदान में हैं, आपके पुत्र मैदान में हैं, आपकी बहू मैदान में हैं, संगठन को पूरा आपने, सरकार को पूरा आपने 5 से 7 दिन के लिए वहां पर रखा, चुनाव के बाद तक आप जैसा कि कांग्रेस का आरोप था रुके रहे, तो ये जो था चीजें कहीं ना कहीं मन में डर था, खौफ था, वो क्या नहीं है? अश्विनी जी देखिए ये मैं समझता हूँ कांग्रेस संवेदनहीन बातें करती है। अगर किसी आदमी के पैर में फ्रैक्चर हो जाए और वो उसका रेजिडेंस अगर वहीं है, उसका रेजिडेंस वहीं है, वहाँ उसका घर है, उसका परिवार है, उसके बाद भी आप आरोप प्रत्यारोप, आज जयपुर में आकर के सीएम रहने लग जाए, जयपुर में चुनाव कहाँ जाए, दूसरी जगह जाएंगे? ये तो केवल और केवल जनता को, मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस पूरे चुनाव में शिकायत के अलावा उन्होंने कोई वोट नहीं मांगे और उसी का परिणाम है कि वो 40,000 से आ रहे हैं। हर दिन शिकायतों के आधार पर वो लड़े, हमने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी या दुष्यंत सिंह जी ने जो भी प्रचार किया, निश्चित रूप से उनका गृह क्षेत्र में आदमी अपने लोगों से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? इसलिए सरकार ने, जहाँ तक सरकार की बात है, मिनिमम से मिनिमम कार्यकर्ता वहाँ रहे, मिनिमम से मिनिमम मंत्री वहाँ रहे। मैं पूरे समय रहा हूँ, 4 लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी मंत्रियों को, वो चार एक तरफ पूरी पीसीसी और एक तरफ मिनिमम गवर्नमेंट, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से पीसीसी का हर बूथ पे मैनेजमेंट था और हर जगह पे जो बूथ का मैनेजमेंट था बहुत शानदार मैनेजमेंट था। 7 तारीख को जब इतना पूरा प्रोग्राम होता है और उसके बाद में चुनाव की, ये चुनाव आयोग ये कहता है कि आज के बाद में यहाँ का जो बाशिंदा नहीं है वो क्षेत्र को छोड़ के चला जाए, उसके बाद में आपके राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त 2 लोग वहाँ पे कंपेन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जहाँ पे निकलने का अपना रूट बना लेते हैं, पूरे हाईवेज पे सिक्योरिटी लग जाती है, उसके बावजूद उनकी मंशा बदल जाती है। और जैसे इन्होंने कहा कि ना मंशा पहले थी नेतृत्व बदलने की, ना बाद में थी, अचानक चोट लगी थी, पहले थी और ना ही बाद में थी, तो ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष परनामी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा, प्रभारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि जो नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे ही रहेंगी। अगर ऐसी नौबत नहीं होती नेतृत्व परिवर्तन की तो शायद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती। वहां पे चुनाव सरकार ने इसलिए लड़ा कि वहां पे जितने भी जो होर्डिंग्स लगे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और शोभा रानी के लगे। वहां पे पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका फोटो नदार था, पार्टी के संगठन नाम का नदार था। सरकार के 160 विधायक, 25 सांसद, राज्यसभा सांसद हर बूथ पे लगे हुए थे और पड़ोसी जो राज्य हैं, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं ये। नहीं, आप इतना बड़ा झूठ बोलने का काम तो आपका है। इतना बड़ा एक सांसद का नाम गिना दो, एक सांसद का नाम गिनाओ। आप ऐसी बाइट देखेंगे, आप विश्वास देखेंगे। मैं बेरवा जो राज्यसभा का सांसद है, इनकी हालत ये रही, बाइट दिए मैंने, इनकी हालत ये रही, बाइट दिए, किसकी हालत देखिए, इनकी हालत ये रही, बाइट दिए जी को। अब आप बोलने नहीं दिया, बाजार में जा रहे हैं, अगर आप से ना बता बोल, क्योंकि बाहर के लोग थे सारे, धौलपुर का एक आदमी उनके साथ, आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि आज बोलने से अगर आपकी पोल खुलती है तो मत बोलने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बोलने नहीं देना, झूठ बोलेंगे तो ना लीजिए। जब आपको आए तो आप जवाब देना, जब आपका मौका आए तो आप जवाब देना। मैं ईटीवी की पीटूसी निकालिए और उस पीटूसी में सांसद के साथ में मेरी पीटूसी है, वहां पे सांसद कहता हमने विकास किया है, हर बूथ में मिले हम, जिस पंचायत में मैं हूँ राजेंद्र राठौड़ जी वहाँ पे घर घर जाके मिले। स्थानीय सांसद है मनोज राजौरिया। अरे मनोज राजौरिया जी नहीं कह रहा हूँ, राज्यसभा के जो सांसद बेरुआ जिसको बना के भेजा उनकी बात कह रहा हूँ, बहुत जिनके साथ में हुई है। राजौरिया जी तो पूरा कैंप करके रहेंगे, वो वहाँ के लोकल सांसद है। सरकार के मीडिया में छपा है, जो सुपर आईएएस अधिकारी हैं उन्हें वहां से भेजा गया, आईपीएस अधिकारी को भेजा गया, वो अपने कास्ट कॉम्बिनेशन से बैठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पुत्र वधु वो कहती है कि मैं मेरे समाज के लोगों से राखी बंधवाने के लिए आया हूँ, वो मुझे रक्षा का वचन देगी। ऐतराज किस बात पर है? ऐतराज इस बात का है कि जहाँ पे उन्हें हर चीज का देखिए, एक बात कही मुकेश जी ने, एक बात कही, आप शिकायत में उलझ गए, कहीं विकास की और वादों की बात नहीं कर पाए। विकास का मुद्दा ही नहीं रहा था ना, विकास की शिकायत नहीं सुन लीजिए, शिकायत क्या रही 24 तारीख तक
वहां पे बीएल कुशवाहा जेल से बैठ के जेल के अंदर महापंचायत चलाते हैं, जैसे यूपी के बाहुबली चलाते हैं, वहां पे बुला के कहते हैं जब मैं जेल में बुला के अगर आपसे बात कर सकता हूं तो जेल से बाहर आपका क्या कर सकता हूं। ये पूरी चलती है, चुनाव आयोग को हमने शिकायत की और चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद में उन्हें गंगानगर शिफ्ट किया गया। जब गंगानगर शिफ्ट किया गया तो बीएल कुशवाहा का जयपुर के अंदर भव्य स्वागत होता है। क्या एक अपराधी को जब शिफ्ट किया जाता है सरकार की मंशा यह होती है कि उनका यहाँ पे स्वागत हो और वहां से बैठ के टेलीफोन पे बात करते हैं और धमकियां देते हैं। क्या यह सुशासन की बात होती है? जहां पे 19 ईवीएम मशीनें टेम्पर्ड होती हैं, जानबूझ के टेम्पर्ड की जाती है ताकि इन बूथों के ऊपर यहाँ पे जो लगता है इन्हें कि यहाँ पे वोट इधर जा सकता है और डेढ़ डेढ़ घंटे तक उनको कहते हैं कि ये खराब है। नतीजे तो आ गए हमारे सामने और नतीजे है धौलपुर के, जहाँ पर ये साफ हो गया है कि 38,673 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की शोभा रानी कुशवाहा जीत चुकी है और कांग्रेस के बनवारीलाल शर्मा हार चुके हैं। आखिरी दौर में लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, बात होगी कि अब इन चुनाव के नतीजों का आने वाले वक्त की सियासत पर कितना फर्क पड़ेगा, विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, भाजपा के लिए क्या अब हासिल हुआ। ब्रेक के बाद। बिल्कुल, कांग्रेस धौलपुर में एक बार फिर मात खा गई है। यह इतनी हार देखने के बाद भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है अपनी टीम को सही दिशा नहीं दे पाया है, ना ही उनको एकजुट कर पाया है और इसका परिणाम है कि वे कांग्रेस में आज की जो स्थिति है उसमें आंतरिक संगठन के मूल जो रूट लेवल पर ही बिखराव है। धौलपुर का एक उपचुनाव था और सत्ता ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था। एक 50 या 60 पंचायतों का जो एक विधानसभा क्षेत्र होती है, हर पंचायत लेवल पे एक मंत्री और मुख्यमंत्री अगर चुनाव के लिए वहीं डटे रहे हुए और सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग हो गए, जबकि सत्ता के खिलाफ विपक्ष ने जो चुनाव आयोग में शिकायतें की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी बात नहीं सुनी।